अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्पाइस खाना विद नाजिया में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ यूपी और बिहार की बहुत ही टेस्टी और फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाना बिल्कुल इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक कप गेहूं का आटा लेना है और एक कप हमें मैदा लेना है। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं या फिर मैदे में भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक देना है। मैं यहाँ पर हाफ चम्मच नमक दे रही हूँ। अब हमें यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल देना है। अब हमें हाथों से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। अब हमें नॉर्मल पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी देकर आटा को हमें अच्छे से गूंद लेना है, इसका एक डो बना लेना है। हमारा आटा का डो बन गया है। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देना है और लगाकर इसे रेस्ट करने के लिए हमें आधे घंटे छोड़ देना है। यहाँ पर मैं एक कप सत्तू ली हूँ। अब हमें इसी सत्तू में हाफ चम्मच अजवाइन देना है, हाफ चम्मच हमें कलौंजी भी देना है या फिर इसे काला जीरा भी बोला जाता है, हाफ प्याज को यहाँ पे मैं चॉप करके दे रही हूँ, धनिया के पत्ते को बारीक कट करके देना है, 3 से 4 हरी मिर्च चॉप करके देना है, हाफ चम्मच नमक देना है। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक को दे सकते हैं। हाफ नींबू का रस देना है, 1 चम्मच सरसों का तेल देना है। देकर इन्हें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। अब हमें थोड़ा पानी लेना है और पानी लेकर इसके फिलिंग को इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब हमारी सत्तू की जो फिलिंग है ये रेडी है। आटा को रेस्ट करते हुए आधे घंटे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है हमारा डो। आटे के डो को हमें इस तरह पंच लगाते हुए 1 मिनट गूंद लेना है, जिससे कि आटा का डो हमारा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं कि आटा का डो हमारा कितना चिकना हो गया है। बस इसके हमें पेड़े बना लेने हैं। इसी तरह सारे पेड़े बना लेते हैं। 2 कप आटे में हमारे 11 पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो पेड़े के साइज को छोटे और बड़े कर सकते हैं। अब हमें इसमें से 1 पेड़े आटे के उठाने हैं और राउंड घुमाते घुमाते कटोरी का शेप इस तरह से दे देना है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से कटोरी के शेप बन गए हैं। अब हमें 1 चम्मच यहाँ पे सत्तू दे देना है। इस तरह से प्रेस करते हुए और घुमाते हुए इसके चारों कॉर्नर को हमें बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से मैं इसे घुमा घुमा के इसके चारों कॉर्नर को मैं बंद कर दी हूँ। बस इसे हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से। हमें सारे लिट्टी को इसी तरह बना लेना है। तो देखिए हमारा लिट्टी बनकर तैयार हो गया फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। थोड़ा सा आटा सूखा यहाँ पर दें और इसे हल्के हाथों से बेल लें। जितने बड़े आपके साइज रखने हैं उस साइज के आप इसे बेल लें तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पे 2 तरीका आपको बता रही हूँ, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं और गर्मा गर्म लिट्टी को छान कर सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हमें किस तरह से करना है ये आप जान लीजिए। तेल को हमें आगे गर्म कर लेना है, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी लिट्टी है वो जल जाएगी।
हल्के हल्के हाथों से हमें घुमाते रहना है और तेल में इसे डीप करना है, जिससे कि लिट्टी हमारी एकदम फूली फूली बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ और लिट्टी जो है हमारे एकदम फूल गए हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम फूली फूली हो रही है। अब इसके साइड को हमें चेंज कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और कितना अच्छा से ये लिट्टी जो है हमारा फूल गया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं तो लिट्टी आपकी बहुत ही टेस्टी और फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। बगैर चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मैं तो इसी तरह खा लेती हूँ। बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप इसे बड़े और बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप कहीं सफर में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो आप बना कर ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो गर्मा गर्म अपने फैमिली के साथ इसे सर्व इसे करें। यूपी और बिहार में बहुत ही पसंद किया जाता है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं और हमें बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, आप अपडेट रहेंगे। मेरे ये वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है।